गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एस्टिमेटिंग द मिनिमम एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ कन्फाइंड रीजन। वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट नंबर 3 ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, दैट इज मिनिमम एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं। कंसिडर अ मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसिस्टिंग ऑफ अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के हुज वन एंड इज अटैच्ड टू अ रिजिड सपोर्ट एंड द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ मास एम। मीन्स वी विल कंसिडर अ स्प्रिंग, हम एक स्प्रिंग यूज कर लिया। ठीक है, एंड उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है दैट इज के, और उस स्प्रिंग के हमने एक एंड को तो अटैच कर दिया है एक दीवार से विच इज नॉट मूवेबल। ठीक है, अटैच कर दिया है किसी दीवार से, और दूसरा जो उसका एंड है उसके ऊपर हमने एक स्मॉल मास एम है उसको हमने टाई कर दिया, बांध दिया। ठीक है, अगर हम उस स्मॉल मास एम को आगे पीछे करते हैं व्हाट विल हैपन, द स्प्रिंग विल बिहेव एज अ मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर। मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स द एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर इज मिनिमम व्हेन इट इज एट रेस्ट। ऑब्वियसली बात है, इफ यू टॉक अबाउट मिनिमम एनर्जी इन क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मीन्स ओल्ड मैकेनिक्स विच बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉ, वो कहती है हमारे पास एनर्जी मिनिमम कब होगी हमारे पास, व्हेन द मास इज एट रेस्ट। ओके, बट क्वांटम मैकेनिकली इट इज आवर मॉडर्न फिजिक्स, जो आज की फिजिक्स है वो कहती है इवन फॉर द मिनिमम एनर्जी एनर्जी कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। सो हम क्वांटम मैकेनिकली उस मिनिमम एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। सो नाउ उसको हम इवेल्यूएट करेंगे यूजिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लेट अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन ऑफ द ऑसिलेटर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। मान लेते हैं ऑसिलेटर की जो पोजिशन है उसके अंदर जो एरर है अनसर्टेनिटी है वो किसके इक्वल है, डेल्टा एक्स के इक्वल है। तो हम जानते हैं यूजिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर्मूला मोमेंटम ऑफ द ऑसिलेटर, उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी होगी उसको हम इवेल्यूएट कर लेते हैं, डेल्टा पी वुड बी मोर देन इक्वल टू एच कट स्क्वेयर बाय में डेल्टा एक्स। ध्यान दीजिए यहाँ पर हमने इसको इवेल्यूएट कैसे किया है, क्योंकि हम जानते हैं फ्रॉम हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स इज मोर देन इक्वल टू एच कट स्क्वेयर होता है हमारे पास। ठीक है, इसका यूज़ करके हमने क्या किया है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इवेल्यूएट किया है। आगे हम जानते हैं द मिनिमम वैल्यू ऑफ मोमेंटम इज एट लीस्ट इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ द ऑसिलेटर। इस लाइन का मीनिंग क्या है, देखो ये क्या बोल रहा है, मोमेंटम की जो हम वैल्यू इवेल्यूएट कर रहे हैं उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, वो एट लीस्ट ऑसिलेटर का जो मोमेंटम है उसमें जो एरर आया हुआ है उसके इक्वल होगी। ऑब्वियस ही बात है, अनसर्टेनिटी क्या होती है, मतलब मोमेंटम की वैल्यू में कम या ज़्यादा होना, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास अगर पी है तो हम इवेल्यूएट कर रहे हैं पी वन या फिर पी टू जो कि पी से कम है या ज़्यादा है। ठीक है, तो जो उसका एरर है, मतलब मान लेते हैं पी वन वैल्यू आई है हमारे पास और पी उसकी एक्चुअल वैल्यू है, देन पी वन माइनस पी वुड बी इक्वल टू व्हाट, वो क्या होगा, डेट वुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ मोमेंटम, उससे कम वैल्यू को तो हम आप ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए बोला इसने मिनिमम वैल्यू ऑफ मोमेंटम क्या है, इक्वल हो जाएगी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम के। सो इसलिए लिखा हुआ है सो पी इज इक्वल टू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच कट स्क्वेयर बाय में डेल्टा एक्स। ठीक है, हमने मोमेंटम निकाल लिया, देन टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर, ऑसिलेटर की जो एनर्जी होती है डेट बिकम्स ऑफ टू पार्ट्स, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। पुट द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वेयर बाय टू एम एंड पुट द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी वन बाय टू के डेल्टा एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये पीछे पढ़ चुके हैं फॉर्मूले कैसे आए थे ये। सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ पी, पुट द वैल्यू ऑफ पी हेयर फ्रॉम दिस इक्वेशन यू विल गेट इज इक्वल टू एच कट स्क्वेयर बाय टू एम डेल्टा एक्स का स्क्वेयर एंड दिस टर्म एज इट इज। नाउ
लेट अस राइट डेल्टा एक्स इक्वल टू आर, इसका सिंबल हमने चेंज कर लिया. व्हाट यू विल गेट इज इक्वल टू एच कट स्क्वेयर बाय टू एम आर स्क्वेयर प्लस के आर स्क्वेयर बाय टू. ठीक है. नाउ ऑल्सो फ्रॉम 12th क्लास यू नो डैट ऑसिलेटर की जो फ्रिक्वेंसी होती है डेट इज गिवन बाय ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर के बाय में एम. के इज द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, एम इज द स्मॉल मास अटैच्ड टू द ऑसिलेटर. ओके, देन यूजिंग दिस स्क्वेयरिंग बोथ साइड एंड क्रॉस मल्टीप्लाइंग यू विल गेट के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वेयर. ठीक है. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ के फ्रॉम हेयर इन टू दिस इक्वेशन. यू विल गेट हेयर इज इक्वल टू एच कट स्क्वेयर बाय टू एम आर स्क्वेयर एज इट इज प्लस दिस इक्वेशन बिकम्स एम ओमेगा स्क्वेयर आर स्क्वेयर बाय में टू. क्लियर. सो वी हैव इवेल्यूएटेड द एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर. हमने इवेल्यूएट किया एनर्जी, बट वी वॉन्ट टू इवेल्यूएट मिनिमम एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर. फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी वी विल यूज एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स. ठीक है. इन 12th क्लास यू हैव स्टडीड दैट इफ यू वॉन्ट टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल देन यू हैव टू पुट द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दैट वेरिएबल इक्वल टू जीरो. ठीक है. तो अगर हमें एनर्जी को करना है मिनिमम तो हम क्या करेंगे, एनर्जी का फर्स्ट ऑर्डर लेंगे डेरिवेटिव, डेट वुड बी इक्वल टू पुट टू जीरो. ठीक है. हमने जीरो कर दिया. सो नाउ व्हाट इज ई, इज दिस टर्म. सो डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू जीरो. नाउ इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको अलग करेंगे. इसको करते हैं यहाँ पर एच कट स्क्वेयर बाय टू हमें कॉन्स्टेंट, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये टर्म आपकी एस्ट जाएगी. और वन बाय आर स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस टू बाय में आर क्यूब. पुट करेंगे यहाँ पर यू विल गेट माइनस एच कट स्क्वेयर बाय में एम आर क्यूब. सिमिलरली यहाँ पर एम ओमेगा स्क्वेयर बाय टू इज ए कॉन्स्टेंट, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. आर स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होता है, टू आर होता है. पुट करेंगे यू विल गेट हेयर एम ओमेगा स्क्वेयर बाय में आर. इन दोनों को प्लस किया डेट इज इक्वल टू जीरो. इस टर्म को हम ऑन द राइट हैंड साइड ले गए, यू विल गेट हेयर एच कट स्क्वेयर बाय एम आर क्यूब इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वेयर आर. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग करने पर दिस टर्म बिकम्स इक्वल टू आर फोर इज इक्वल टू में एच कट स्क्वेयर बाय में एम स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर. ऑन टेकिंग स्क्वेयर रूट यू विल गेट आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एच कट स्क्वेयर बाय एच कट बाय में एम ओमेगा. ठीक है. यहां पर मैंने इवेल्यूएट कर लिया है आर स्क्वेयर इज इक्वल टू में एच कट ओमेगा. ओके, आगे देखिए. अगर हम आगे मूव करते हैं यू विल गेट हियर व्हाट, पुटिंग इक्वेशन नंबर टू इन इक्वेशन नंबर वन. हमने क्या किया है, हमने जो वैल्यू निकाल ली आर स्क्वेयर की, उस वैल्यू को हम पुट करेंगे वैल्यू ऑफ आर स्क्वेयर, इसको पुट करेंगे हम इन इक्वेशन नंबर दिस. पुट करने पर यू विल गेट हेयर व्हाट, यू विल गेट हेयर दिस वन इक्वेशन एंड सॉल्विंग यू विल गेट हाफ एच कट ओमेगा फ्रॉम हेयर, हाफ एच कट ओमेगा फ्रॉम हेयर एंड एडिंग यू विल गेट ई मिनिमम इज इक्वल टू एच कट ओमेगा. सो हमने इवेल्यूएट कर ली है मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर द मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर. सो दिस गिव्स द मिनिमम एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर. दिस इज एग्जैक्टली द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग श्रोडिंगर इक्वेशन. आगे अगर आप देखते हैं, अगर इन द नेक्स्ट लेक्चर इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल सी यूजिंग श्रोडिंगर इक्वेशन भी हम वैल्यू निकालते हैं ऑसिलेटर की मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी या फिर ग्राउंड स्टेट एनर्जी को, एंड डेट विल ऑल्सो हैव द सेम वैल्यू डेट इज इक्वल टू एच कट ओमेगा. सो इसलिए बोल रहा है ये दिस इज एग्जैक्टली इक्वल द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर ऑब्टेन्ड बाय द सॉल्विंग द श्रोडिंगर इक्वेशन. ठीक है. सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था उसके तीन पार्ट थे, टू इवेल्युएट मिनिमम एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ कन्फाइंड रीजन. उस तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट वेव फंक्शन, इट्स प्रॉपर्टीज एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस. ठीक है. थैंक यू.